बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज टीवी। आज की बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, जहां पे हुकूमत को बड़े फैसले करने पड़े, बिजली महंगी करनी पड़ी, पेट्रोल में की कीमतों में इजाफा करना पड़ा, वहां पे एक और बड़ा फैसला, चेयरमैन ए पी ए सी की मीटिंग में मुफ्त बिजली किसी को नहीं दी जाएगी। जी बड़ा फैसला कर लिया गया हुकूमत ने, महकमा बिजली के मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियों में तरजीह देंगे, लेकिन इसके अलावा उनको एक यूनिट भी फ्री नहीं देंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने महकमा बिजली के तमाम मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म कर दी। किसी यूनियन से बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे। रुकन पीएसी डॉक्टर रमेश कुमार और इसके अलावा जितने बिजली मुलाजमीन हैं उनको मुफ्त यूनिट मिलते हैं, वो उनकी तनख्वाह में डाल दिए जाएंगे। जब मुफ्त यूनिट नहीं मिलेंगे तो बिजली की बचत की होगी और चोरी भी नहीं होगी। मुफ्त बिजली किसी को नहीं दी जाएगी। मुफ्त बिजली के अलावा अगर एक और बात करती हैं, जो उन्होंने हुकूमत ने एक बड़ी ऑफर की कि महकमा बिजली के मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियों पर तरजीह दी जाएगी, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी मुलाजमीन हैं उनको मुफ्त यूनिट जितने मिलते हैं उनको तनख्वाह की सूरत में उनको दे दिए जाएंगे, लेकिन मुफ्त उनको बिजली नहीं मिलेगी। तो आज की ये बड़ी एक खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि लाखों के हिसाब से सरकारी मुलाजमीन हैं, जो वापडा के मुलाजमीन हैं, जो कि मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं और उनको मुफ्त ये एक हुकूमत की तरफ से दी गई है, कुछ यूनिट वो इस्तेमाल करते हैं। तो आज एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें सेक्रेटरी तवानाई भी मौजूद थे, और इसके अलावा जो चेयरमैन जो थे पीएसी की मीटिंग हुई, और वहाँ पे ये फैसला हुआ कि किसी भी मुलाजम को फ्री जो है वो बिजली नहीं मिलेगी और ना ही कोई यूनिट फ्री मिलेगा। उसके हवाले से उन्होंने बताया कि आपको नौकरियाँ दी जाएंगी, इसके अलावा आपके जितने यूनिट फ्री आते हैं वो तनख्वाहों में डाल दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।